हाय एवरीवन गाइस, आज हम आपके लिए कुछ खास चीज लेके आए हैं, जो कि मैंने कमेंट देखे थे और कमेंट में बहुत से स्टूडेंट ने बोला हुआ है कि सर और कोई इजी तरीका है सिखाने का। तो गाइस, हम लोग भी स्टडी करते रहते हैं, हमारी टीम भी स्टडी करते रहती है, क्योंकि हम लोग का मेन पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट घर बैठे इंग्लिश बोलना सीखे। क्योंकि आप सबको पता है, हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में हम चाहे कितना ही पढ़ लें, बिना इंग्लिश के सोसाइटी में कोई वैल्यू होती ही नहीं है। तो गाइस, ये सबसे सिंपल तरीका है। जैसे कि मैंने पहले भी अपना बताया हुआ है कि आपको अगर वास्तव में आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी हर क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए, क्योंकि मेरी सारी क्लास है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर एक भी क्लास मिस हो गई तो मुझे नहीं लगता कि आप चीजों को फिर समझ पाएंगे। तो गाइस, ये हम लोगों का क्या है, पूरा एक सोसाइटी है, पूरी एक संस्था है, जिस संस्था का मेन पर्पस है कि इंडिया के हर कोने में ये क्लास पहुंचे। और मैं चाहूंगा कि आपका भी सहयोग हो इस क्लास को इंडिया के हर कोने में पहुंचाने का। तो अपने एक लाइक और एक शेयर के थ्रू इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई घर बैठ के आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सके। और गाइस, आज मैं आपको इंग्लिश सीखने की आसानी से इंग्लिश बोलना सीखने की एक आसान सी ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर इस ट्रिक को अगर आपने फॉलो कर लिया तो श्योर है आप इंग्लिश तो आसानी से बोलना सीख ही जाओगे। तो गाइस देखिए, हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन हमें मीनिंग का प्रॉपर यूज करना नहीं आ पाता। प्रॉपर यूज ना करने आने की वजह से हम इंग्लिश बोलने में रुक जाते हैं। तो गाइस, यहां पे हम क्या करेंगे, मैं डेली क्लास के अंदर 5 to 6 मीनिंग लिया करूंगा, 5 to 6 मीनिंग लिया करेंगे, और 5 to 6 मीनिंग के ऊपर हम टेंस बनाया करें, सेंटेंस बोलना सीखा करेंगे, लाइन बनाना सीखा करेंगे। और इससे क्या होगा, हमें इंग्लिश लिखना भी आ जाएगा, हमें वो मीनिंग याद भी हो जाएंगे, और हमें उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो बच्चों को बहुत मुश्किल होता है लर्न करना, आसानी से चुटकियों में आपको याद भी हो जाएगी, और आप आसानी से टेंस बना भी सकते हो, और जो लाइन आपको बोलनी है उसको भी आप आसानी से बोल सकते हैं। तो गाइस, पहले लेते हैं वर्ब। इस वर्ब को गाइस एक्शन बोलते हैं, है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सबसे पहला वर्ड लिया है मैंने अवेक। अवेक मीन्स होता है जागना। अवेक, सेकंड फॉर्म अवॉक, थर्ड फॉर्म अवॉकन। नेक्स्ट है अराइज। अराइज मीन्स होता है उठना। अराइज, अरोज, अराइजन। थर्ड गेटअप। गेटअप मीन्स भी होता है उठना। गॉटअप, गॉटअप। नेक्स्ट अब्यूज, गाली देना। अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। थर्ड अक्यूज। अक्यूज मीन होता है अपराधी ठहराना। अक्यूज्ड, अक्यूज्ड। नेक्स्ट है एंड लास्ट है एडवाइस। एडवाइस मीन सलाह देना। एडवाइस, एडवाइस, एडवाइस। गाइस अब देखिए, ये मीन्स, ये वर्ब है। अब इन वर्ब को हम क्या करेंगे, इनको लर्न करना है, और लर्न करने के बाद में इन्हीं वर्डों से हमें टेंस बनाना सीखने है, इन्हीं वर्डों से हमें इंग्लिश बोलना सीखनी है। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, आंसर कैसे देते हैं, और नेगेटिव में आंसर कैसे देते हैं। तो गाइस अब देखिए कि सबसे पहले हम अवेयर वर्ड का यूज करते हैं। गाइस अगर हम क्या करते हैं, ये सारे वर्डों को, क्योंकि हमें इंग्लिश के वर्ड याद नहीं होते हैं, और इन वर्डों को, जो वर्ड अगर आप याद करते हो, इन वर्डों की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो क्या होते हैं, ये वर्ड आसानी से हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं, और आसानी से वक्त आने पर निकलते भी है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अवेयर वर्ड का यूज करना है। अवेयर मीन्स होता है जागना। अब जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में आइए, क्वेश्चन आंसर कीजिए अपने फ्रेंड से, और कुछ मत कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे शो करवाया हुआ है, जो यू अवेक टिल लेट नाइट। गाइस टिल लेट नाइट का मींस होता है देर रात तक जागना। तो जो यू अवेक टिल लेट नाइट, क्या आप देर रात तक जागते हैं? सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि आंसर देने को, सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि आंसर, सारे आंसर आप पॉजिटिव में दो, उसके बाद में ट्राई कीजिए कि सारे आंसर आप नेगेटिव में दो। पहले हम छोटा छोटा सीखते हैं। तो डू यू अवेक टिल लेट नाइट, फॉर्मूला आपको याद है, प्रीवियस क्लास में मैंने सारे फॉर्मूले बताए हुए थे। ये हमारी डे टू डे की लाइफ की बात है, और डे टू डे लाइफ के सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको पहले सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। और नहीं, अगर चाहे तो आप प्रीवियस क्लास में भी जाकर उस चीज को देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए यहाँ पे सीधे सीखते हैं। डू यू अवेक टिल लेट नाइट, क्या आप देर रात तक जागते हैं? पहले यस में आंसर दीजिए। यस आई अवेक टिल लेट नाइट, हाँ मैं देर रात तक जागता हूँ। नेक्स्ट, डज योर मदर अवेक टिल लेट नाइट, क्या आपकी मम्मी देर रात तक जागती है? यस माय मदर अवेक टिल लेट नाइट, मेरी मम्मी देर रात तक जागती है। डज योर एल्डर ब्रदर अवेक
टिल लेट नाइट। क्या आपके बड़े भाई देर रात तक जगते हैं? यस माय एल्डर ब्रदर अबे टिल लेट नाइट। मेरे बड़े भाई देर रात तक जगते हैं। डज योर यंगर सिस्टर अबे टिल लेट नाइट? यस माय यंगर सिस्टर अबे टिल लेट नाइट। नेक्स्ट डज योर सिबलिंग गाइस भाई बहन को अगर आपको पूछना हो कि आपके भाई बहन देर रात तक जगते हैं तो भाई बहन का एक सिंपल मीनिंग होता है सिबलिंग। सिबलिंग्स के अंदर आपके ब्रदर एंड सिस्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो सिबलिंग। तो डज योर सिबलिंग अवेक टिल लेट नाइट? यस माय सिबलिंग अवेक टिल लेट नाइट। नेक्स्ट डज योर रिलेटिव अवेक टिल लेट नाइट? क्या आपके रिश्तेदार देर रात तक जगते हैं? यस माय रिलेटिव अवेक टिल लेट नाइट। और गाइस बहुत सी चीजें और भी आप इससे बना सकते हैं। डज योर नेबर अवेक टिल लेट नाइट? क्या आपके पड़ोसी देर रात तक जगते हैं? यस माय नेबर अवेक टिल लेट नाइट। तो गाइस ये था क्वेश्चन करने का तरीका, ये था हमारा आंसर देने का तरीका। इसी प्रकार से अब हम नेगेटिव भी बोलते हैं। क्वेश्चन यही है, डू यू अवेक टिल लेट नाइट? यस नो आई डोंट अवेक टिल लेट नाइट। डज योर मदर अवेक टिल लेट नाइट? नो माय मदर डज नॉट अवेक टिल लेट नाइट। डज योर एल्डर ब्रदर अवेक टिल लेट नाइट? नो माय एल्डर ब्रदर डज नॉट अवेक टिल लेट नाइट। Does your younger sister awake till late night? No, my younger sister does not awake till late night. Does your sibling awake till late night? No, my sibling does not awake till late night. तो गाइस ये थे सिंपल सिंपल सेंटेंस जो हमने अवेक वर्ड का यूज करना सीखा। आज अब से 15 क्लास है रोज आपको, मतलब अब से आने वाली जो 15 क्लास होगी कंटिन्यूस आप देखिएगा। उस 15 क्लास के अंदर हम सिर्फ ऐसे ही करेंगे, वर्ड लिया करेंगे और उस एक वर्ड को लेकर सेंटेंस बनाना सीखा करेंगे ताकि वर्ड भी याद हो जाए और आसानी से हम इंग्लिश बोलना सीख भी जाए। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने एक शेयर के माध्यम से आप इस वीडियो को पूरे इंडिया के हर एक कोने में पहुंचाइए ताकि सारे यंगर्स इंग्लिश आसानी से घर बैठे बैठे बोलना सीख जाए। ओके गाइस टेक केयर, बाय बाय।